नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MBT क्लास पे। दोस्तों, अब तक हमने 9 प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर के कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपके सामने कंप्यूटर का 10वां प्रैक्टिस सेट है, यानी कि आज आपका 10वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, बात ये मान्य रखती है कि आपने 10 प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस किया है। अगर आपका फिर से टेस्ट लिया जाए तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपने रेगुलर ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट किए हैं तो आप पटवार के लिए कंफर्टेबल है। अगर इनमें से आपने प्रैक्टिस सेट सही ढंग से नहीं किए हैं तो पटवार के लिए आप कंफर्टेबल नहीं फील करोगे। तो दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट से आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। सारे के सारे क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कंप्यूटर जो आपके हैं आजकल सभी एग्जाम्स में पूछे जाने लग गए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन, क्योंकि आजकल का जो जमाना है वो क्या है, टेक्निकल जमाना है। अब देखिए, पुलिस कांस्टेबल में भी कंप्यूटर के 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे दोस्तों। तो आप ये मानकर चलिए कि आपके पटवार का लेवल तो और भी हाई रहेगा। तो दोस्तों, जो भी प्रैक्टिस सेट आपको निःशुल्क मिल रहे हैं इनसे प्रैक्टिस जरूर करें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे कंप्यूटर का पार्ट 10। शुरू करने से पहले वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने भी ग्रुप हैं वहाँ पर जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आप एमबीटी क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एमबीटी क्लास के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक हमारे नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। तो शुरू करते हैं दोस्तों कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 10 30 MCQs। पहला क्वेश्चन है, 1 M में होते हैं, यानी कि 1 मिलियन में होते हैं। ए है 2^20 byte, बी है 2^30 byte, सी है 2^40 byte और डी है 2^10 byte। 1 मिलियन किन के बराबर होता है या 1 मिलियन में कितने बाइट होते हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 1 मिलियन में कितने बाइट होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मिलियन में 2^20 byte होते हैं। अगर यहाँ पर पूछ दिया जाता 1 बिलियन में कितने होते हैं तो दोस्तों 1 बिलियन में होते हैं 2^30 byte। 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं तो दोस्तों 1 ट्रिलियन में होते हैं 2^40 byte। तो दोस्तों, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये तीनों चीजें याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगले क्वेश्चन है, 1 TB बराबर होता है। ए है 10^6 byte, बी है 10^9 byte, सी है 10^12 byte और डी है 10^15 byte। 1 TB, सबसे पहले टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीबी की फुल फॉर्म होती है टेराबाइट। अगर दोस्तों आपको वो सीरीज याद है, कौन सी, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, अगर वो ट्रिक याद है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। किलो में क्या होता है दोस्तों? किलो में होता है 10^3। मेगा में क्या होता है? 10^6 होता है। गीगा में क्या होता है? 10^9 होता है। टेरा में क्या होता है? 10^12 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है पेटा, पेटा में होता है 10^15। तो यहाँ पर टेरा की बात की जाती है, टेरा बाइट, टेरा की, टेरा, टेरा का मतलब होता है 10^12 और बाइट का बाइट। तो यहाँ पर 1 TB बराबर क्या हो जाएगा? 10^12 byte। टेरा का मतलब क्या होता है? 10^12 होता है टेरा का मतलब, और बाइट का बाइट दे रखा है पीछे, देखे दोस्तों, ठीक है। तो ये अगर सीरीज आपको याद है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 1 MB की बात की जाए, मेगा, 1 MB का मतलब होता है मेगा बाइट, और मेगा का मतलब होता है 10^6। तो 1 MB बराबर क्या हो जाएगा? 10^6 byte। अगर आपको ये सीरीज याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ALU में यू का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म, बी है यूनिवर्सल, सी है यूनिट, डी है कोई नहीं। ALU में यू का पूर्ण रूप है या यू की फुल फॉर्म है, यू का मतलब है? तो दोस्तों, ALU में जो आपके ALU है, ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई। हिंदी में क्या कहा जाता है? अंक गणितीय एवं तार्किक इकाई। तो यूनिट हो जाएगा इकाई, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण रूप है। ए है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, बी है कंट्रोल प्रोसेस यूनिट, सी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और डी है कंट्रोल प्राइवेट यूनिट। CPU को हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय संसाधन इकाई। यहां पर CPU का इंग्लिश में पूछा है तो CPU की फुल फॉर्म होती है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय संसाधन इकाई। अगला क्वेश्चन है, यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन प्रोग्राम, बी है सर्च इंजन, सी है इनपुट डिवाइस, डी है उपयुक्त सभी। यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को बाइनरी भाषा, बाइनरी भाषा होती है दोस्तों 0 और 1, तो 0 और 1 में बदलने का कार्य कौन करते हैं इनपुट को?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस है जो आपके यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को बाइनरी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, RISC का पूर्ण रूप है, RISC का पूर्ण रूप है, ए है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, बी है रीड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सी है रिड्यूस इंटरफेस सेट कंप्यूटिंग और डी है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट सिस्टम कंप्यूटिंग। सिस्क और रिस्क ये दो माइक्रोप्रोसेसर की दो संरचनाएं होती है दोस्तों, सिस्क और रिस्क। तो यहां पर पूछा है रिस्क का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों रिस्क का पूर्ण रूप हो जाएगा आपके रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और एक होती है सिस्क, सिस्क की फुल फॉर्म होती है कमांड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, और यहाँ पर पूछा है रिस्क का, तो रिस्क का क्या हो जाएगा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक है, ए है टिम बर्नर्स-ली, बी है जॉन कोटस, सी है एमी हूप और डी है लैरी टेस्ला। माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक, तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर चिप इसके आविष्कार के आपके एमई होप, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगर पूछ लिया जाए माइक्रो प्रोसेसर चिप का आविष्कार है किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया, तो दोस्तों वो किया गया आपके चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में आपके माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग किया गया। विश्व की जो सबसे पहली माइक्रो चिप बनी थी दोस्तों वो बनी थी आपके इंटेल 4000, कौन सी बनी थी इंटेल 4000, ठीक है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में बनी थी आपके शक्ति, जो बनाई गई थी आपके IIT मद्रास के द्वारा, किसके द्वारा बनाई गई थी IIT मद्रास के द्वारा, कौन सी शक्ति, माइक्रोप्रोसेसर चिप का नाम क्या है, भारत में बनी पहली माइक्रोप्रोसेसर चिप कौन सी है शक्ति। अगला क्वेश्चन है, जब हम कंप्यूटर में रिफ्रेश करते हैं तो निम्न में से कौन सी मेमोरी को रिफ्रेश किया जाता है, ए है SRAM, बी है डायनामिक रैम, सी है SDRAM, डी है इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब दोस्तों जब हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं तो कौन सी मेमोरी रिफ्रेश होती है, निम्न में से कौन सी मेमोरी होती है जो रिफ्रेश होती है, तो दोस्तों वो होती है आपके मेन मेमोरी, कौन सी होती है मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी कहा जाता है आपके डायनामिक रैम को, किसको कहा जाता है डायनामिक रैम को, डी रैम को आपके मेन मेमोरी कहा जाता है, और रिफ्रेश कौन सी मेमोरी होती है डायनामिक रैम। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू की गति मापने की इकाई होती है, ए है डॉट्स पर स्क्वायर इंच, बी है हर्ट्ज, सी है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड और डी है बाउट रेट पर सेकंड। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय संसाधन इकाई की गति मापने की इकाई होती है। कुछ दोस्तों के मन में आ रहा होगा कि सर मेगा हर्ट्ज और गीगा हर्ट्ज होती है, लेकिन नहीं दोस्तों वो होती है लेकिन वो बाद में, पहले कौन सी आएगी, तो दोस्तों सबसे राइट आंसर हो जाएगा इसका आपके ऑप्शन सी, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड है सीपीयू की गति मापने की मुख्य इकाई होती है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, तो याद रखना दोस्तों MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सीपीयू का भाग नहीं है, ए है मेमोरी बफर रजिस्टर, बी है प्रोग्राम काउंटर, सी है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और डी है डिवाइस ड्राइव। निम्न में से कौन सा एक सीपीयू का भाग नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन डी, डिवाइस ड्राइवर होते हैं जो सीपीयू के भाग नहीं है, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर आप एप्लीकेशन प्रोग्राम कह सकते हैं, जबकि आपके मेमोरी बफर रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, ये सारे के सारे क्या है सीपीयू के भाग है, ठीक है। तो आपका डिवाइस ड्राइवर है सीपीयू का भाग नहीं है, तो दोस्तों सीपीयू के जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं उन सबको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बनी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम है, ये है शक्ति, बी सिद्धार्थ, सी परम और डी है परम 1000। अगर आपने पिछले क्वेश्चन में गौर किया हो तो इसके बारे में मैंने अभी बताया था, माइक्रो प्रोसेसर चिप का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर चिप के जो आविष्कारक थे वो थे आपके एमई होप। तो यहाँ पर बताया, पूछा गया है बाद में बनी प्रथम माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है, तो दोस्तों वो है आपका शक्ति, क्या है शक्ति, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, और शक्ति बनाई गई थी आपके IIT मद्रास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी की एक केस को दूसरे केस में बदलने का कार्य करती है, ए है एडिटिंग की, बी है टॉगल की, सी है बूस्टर की और डी है कंट्रोल की।
कौन सी चीज होती है जो आपके एक केस को दूसरे केस में बदलने का कार्य करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके टॉगल की। टॉगल की होती है आपके एक केस को दूसरे केस में बदलने का कार्य करती है। ये तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? आपके तीनों लॉक होते हैं। कौन से तीनों? कौन कौन से? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। ये आपके तीनों टॉगल की कहलाती है और ये आपके एक केस को दूसरे केस में बदलने का कार्य करती है। एक केस को दूसरे केस में कैसे? जैसे आपकी कैप्स लॉक होती है, छोटे को बड़े, बड़े को छोटे में बदलने का कार्य करती है। स्क्रॉल लॉक क्या होता है? स्क्रॉल लॉक आपके स्थिर करने का कार्य करती है। नम लॉक है आपके नम पैड को लॉक करने का कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर को रन या ओपन करने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ए दाया, बी बाया, सी स्क्रॉल, डी है इनमें से कोई नहीं। किसी फाइल या फोल्डर को रन या ओपन करने के लिए माउस के किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी बाया। लेफ्ट बटन होता है जिसको हम दो बार क्लिक करते हैं तो क्या फोल्डर या तो ओपन हो जाता है या कोई फाइल रन करने के लिए होती है तो वो रन होने लग जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर यहाँ पर पूछ लिया जाता है दोस्तों किसी ऑब्जेक्ट या फाइल फोल्डर की प्रॉपर्टीज पर पहुंचने के लिए कौन सा बटन प्रयोग करते हैं, तो फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज पर पहुंचने के लिए दायां बटन दबाते हैं, जबकि रन या ओपन करने के लिए बायां बटन दबाने के लिए प्रयोग बायां बटन दबाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए है बॉस, बी है सोलोरिस, सी है एंड्रॉइड, डी है उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, बॉस भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, सोलोरिस भी है, एंड्रॉइड भी है, इसके अलावा आपके सैम्बियन है, क्रोमियम है, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। दोस्तों बॉस की फुल फॉर्म याद रखना, बॉस की फुल फॉर्म होती है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जो कि आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? ए है कंट्रोल पैनल, बी है वेब ब्राउजर, सी है वायरस और डी है सर्च इंजन। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर के कार्यों को आसान करने का कार्य करते हैं। कंप्यूटर के कार्यों को क्या करते हैं? आसान करने का कार्य करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपका कंट्रोल पैनल। कौन है? कंट्रोल पैनल, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दोस्तों कंट्रोल पैनल के अलावा आपके एंटीवायरस भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सिस्टम टूल प्रोग्राम्स जितने भी है वो भी आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक डेटाबेस से संबंधित भाषा है? ए है प्रोलॉग, बी है लिस्प, सी है कोबोल और डी है ओरेगल। डेटाबेस से संबंधित भाषा है, तो दोस्तों डेटाबेस से संबंधित तीन भाषा है, तो इसमें से एक यहाँ पर दे रखी है तो आपको बतानी है। डेटाबेस जो आपके दोस्तों एप्लीकेशन होती है उनका बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए आपके डेटाबेस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी आपका जो एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर कुछ वेबसाइट्स कह सकते हैं, उनका जो बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वो डेटाबेस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। और डेटाबेस लैंग्वेज आपके तीन होती है, कौन कौन सी? एक तो यहाँ पर दे रखी है आपके ओरेकल, इसके अलावा आपके होती है एसक्यूएल और माई एसक्यूएल, वो भी आपके डेटाबेस से संबंधित लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एसआरएस में अंतिम एस का पूर्ण रूप है, अंतिम यानी कि सबसे पीछे वाले एस का फुल फॉर्म क्या होगी? ए है सॉल्यूशन, बी है सिस्टम, सी है सिग्नल और डी है स्पीच। एसआरएस है क्या? सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए दोस्तों। तो एसआरएस दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है जो आपकी ध्वनि को पहचान कर उनके अनुसार इनपुट देने का कार्य करता है। एसआरएस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो किसी ध्वनि या अपनी ध्वनि या आपकी ध्वनि को पहचान कर इनपुट देने का कार्य करता है। कौन? एसआरएस। तो एसआरएस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। और एसआरएस की फुल फॉर्म है दोस्तों स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो एस का अंतिम एस का क्या मतलब हो जाएगा? सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एसआरएस का फुल फॉर्म क्या है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। तो इसका राइट अंतिम एस का मतलब हो जाएगा सिस्टम, और पहले का क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा आपके स्पीच। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए स्कैनर, बी एसआरएस, सी ए वीडियो और डी ए मिडी डिवाइस। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है?
तो दोस्तों आपको आसानी से देख दिख रहा होगा कि वीडियो है आपकी क्या है, ये मॉनिटर है। मॉनिटर को आपके वीडियो या वीडीटी कहा जाता है, वर्चुअल डिस्क यूनिट कह सकते हैं या फिर वर्चुअल वीडियो टर्मिनल कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल डिस्क यूनिट होती है आपके क्या होती है, सॉरी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट होती है, ये आपके मॉनिटर होता है। तो वीडियो या वीडीटी किसे कहा जाता है, मॉनिटर को कहा जाता है, जो कि आपके एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है। जबकि SRS है, SRS के बारे में अभी हमने बात की थी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, जो आपकी आवाज को पहचान कर इनपुट के रूप में देने का कार्य करता है। इसके अंदर भी इनपुट डिवाइस है और MIDI डिवाइस भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, जबकि वीडियो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर नहीं है, यानी कि लाइन प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। ए है चैन प्रिंटर, बी है इंकजेट प्रिंटर, सी है ड्रम प्रिंटर, डी है बैंड प्रिंटर। निम्न में से कौन सा एक लाइन प्रिंटर नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों एक कैरेक्टर प्रिंटर कह सकते हैं, या एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का भी उदाहरण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इंकजेट प्रिंटर किसका उदाहरण है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तथा कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है। जबकि चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ये तीनों के तीनों आपके लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। और लाइन प्रिंटर की जो स्पीड होती है दोस्तों, वो मापी जाती है आपके LPM में, लाइन प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, माउस किस तकनीक या इंटरफेस पर कार्य नहीं करता है। ए है CUI, बी है CLI, सी है GUI, डी है अवपदन। माउस है जो किस तकनीक या इंटरफेस पर कार्य नहीं करता है, तो दोस्तों सभी को पता होगा माउस किस तकनीक पर कार्य करता है, किस इंटरफेस पर कार्य करता है, तो दोस्तों वो करता है GUI पर, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा दोनों इसका राइट आंसर होगा CUI और CLI। इस इंटरफेस पर आपके माउस कार्य नहीं करता है, किस पर करता है, GUI। GUI की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जबकि CUI या CLI दोनों एक ही है। CUI को आपके CLI कहा जाता है। CUI की फुल फॉर्म होती है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों है जो आपके उस पर माउस कार्य नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है, गंदा प्रोग्राम नहीं है। ए है वायरस, बी है इंफोसिस, सी है ट्रोजन हॉर्स, और डी है स्पाईवेयर। निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम या मलेशियस प्रोग्राम या गंदा प्रोग्राम नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, इंफोसिस। इंफोसिस है एक सर्च इंजन है। क्या है इंफोसिस, सर्च इंजन है। जबकि वायरस है, ट्रोजन हॉर्स है, स्पाईवेयर है, इसके अलावा की लॉगर है, वॉर्म है, ये सारे के सारे क्या है, मलवेयर प्रोग्राम है, मलेशियस प्रोग्राम है। जबकि इंफोसिस क्या है, एक सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, 1024 PB बराबर होते हैं, एक पेटाबाइट, एक गीगाबाइट, एक एक्जाबाइट, एक जेटाबाइट। 1024 PB बराबर, पीबी मतलब होता है पेटाबाइट, 1024 PB क्या होता है, पेटाबाइट। तो 1024 PB बराबर होते हैं एक एक्जाबाइट, एक ईबी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के कार्यों को आसान करता है। ए है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और डी है इनमें से कोई। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्यों को आसान करता है, तो दोस्तों कंप्यूटर के कार्यों को आसान करने का कार्य करते हैं, वो करते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन से है, तो दोस्तों मैंने बताया था आपको, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तो होता है आपके कंट्रोल पैनल, दूसरा होता है एंटीवायरस, और तीसरा होता है आपके सिस्टम टूल प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, 4 बिट किसके बराबर होता है। ए है 2 बिट, बी है 1 निबल, सी है 2 निबल, और डी है 4 बाइट। 4 बिट किसके बराबर होते हैं, 4 बिट बराबर होता है, तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है दोस्तों, 4 बिट बराबर होता है 1 निबल। 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निबल, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, GUI इंटरफेस पर कार्य नहीं करता है। ए है विंडो 8.1, बी है यूनिक्स, सी है माउस, और डी है उपयुक्त सभी। GUI इंटरफेस पर कौन है जो कार्य नहीं करता है,
तो दोस्तों GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आपके विंडो के सारे वर्जन कार्य करते हैं, माउस करता है, जबकि यूनिक्स है दोस्तों आपके CUI इंटरफेस पर कार्य करता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर कार्य करता है, जिसे आपके CLI भी कहा जाता है। CLI की फुल फॉर्म होती है कमांड लाइन इंटरफेस। तो यूनिक्स है और MS DOS ये आपके CUI पर आधारित है। अगले क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग के दौरान हुई त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं पेच, बग, डीबग या मलवेयर। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के दौरान जो त्रुटि होती है उनको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो वो एरर ही आपका गलत परिणाम है, अनुपयुक्त परिणाम होते हैं, तो उस एरर को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है? बग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वो गलत और अनुपयुक्त परिणाम क्या होता है, एरर ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं, बग। और इस अनुपयुक्त परिणाम को हटाना या एरर को हटाना क्या कहलाता है, डीबग कहलाता है। और इस बग को या इस त्रुटि या एरर को हटाने के लिए जिन छोटे छोटे सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उन्हें पेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर तथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न में से किस प्रिंटर के उदाहरण है? ए है पेज प्रिंटर, बी है लाइन प्रिंटर, सी है कैरेक्टर प्रिंटर, डी है इनमें से कोई नहीं। डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दोस्तों डेजी व्हील प्रिंटर है इसको आपके लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहा जाता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसको आपके मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। ये दोनों प्रिंटर है दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये दोनों के दोनों प्रिंटर है आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसे प्रिंटर है? इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। और यहाँ पर ऑप्शन में इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों ये दोनों प्रिंटर है आपके कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। किसके? कैरेक्टर प्रिंटर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैरेक्टर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण है, जस्ट अभी मैंने बताया था दोस्तों लेटर क्वालिटी प्रिंटर कौन सा है। तो ऑप्शन दे रखा है ए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है डेजी व्हील प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर, डी है उपयुक्त सभी। लेटर क्वालिटी प्रिंटर का उदाहरण है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था दोस्तों। तो आपका जो डेजी व्हील प्रिंटर होता है दोस्तों, डेजी व्हील प्रिंटर आपके लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को क्या कहते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को कहते हैं आपके मोनो प्रिंटर। और इंक जेट प्रिंटर है दोस्तों, इंक जेट प्रिंटर आपके करेक्टर प्रिंटर का भी उदाहरण है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का भी उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू से प्रिंटर किस पोर्ट द्वारा जुड़ा होता है? सीपीयू से प्रिंटर किस पोर्ट द्वारा जुड़ा होता है? ए सीरियल पोर्ट, बी है पैरेलल पोर्ट, सी है कोई नहीं, डी है अवबदुन। यानी कि सीपीयू में जो पीछे पोर्ट लगी होती है दोस्तों, सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट, उसमें जो प्रिंटर होता है वो किस पोर्ट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के द्वारा आपके प्रिंटर है जो सीपीयू से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बाहर लगे उपकरण कहलाते हैं, कंप्यूटर के बाहर लगे उपकरण कहलाते हैं, ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी ए पेरिफेरल डिवाइस, डी ए उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर के बाहर लगे उपकरण इनपुट डिवाइस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, और इन दोनों को सम्मिलित रूप से आपके पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर माना जाएगा, क्योंकि इनपुट डिवाइस भी होते हैं बाहर लगे हुए, ठीक है, वो इनपुट डिवाइस भी कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस भी कहलाते हैं, क्योंकि आधे इनपुट होते हैं आधे आउटपुट होते हैं, तो इनको आपके पेरिफेरल डिवाइस भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो दोस्तों, क्योंकि अगर आप शेयर करते तो हमारे व्यूज भी आते और नीचे कमेंट भी जरूर आते, कंफ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन भी जरूर आते। तो दोस्तों किसी तरह की कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।